हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल्डीज टेस्टफुल किचन। ये लिया है हमने राजमा, जिसको हमने रात भर भिगो के रख लिया है और इसका ऊपर का पानी ना निकाल दिया है। तो ये अच्छे से देखिए, छोटा वाला रेड राजमा है, अच्छे से ये भीग गया है। और इसमें हम डाल रहे हैं 2 ये तेज पत्ता, ठीक है, और ये है नमक स्वाद के अनुसार, 2 पिंच हल्दी है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी है, 2 लौंग है, एक बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची है ना। ये सब हम इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें तेल, ऑयल, केवल 1 चम्मच है ना, ताकि क्या है राजमा का छिलका अलग और वो अलग ना हो, और वैसे पानी भी नहीं निकलता है। और इसमें 1 इंच ऊपर पानी डालकर ना हम इसमें प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे इसको। जब तक राजमा उबल रहे हैं, हमने ये पानी उबाल लिया है। और ये देखिए, चावल को मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया था, इसका पानी निथार दिया है। मैं ये बॉइल्ड राइस बनाऊंगी और इसमें अब हम ये चावल डाल देंगे। राजमा चावल बना रहे हैं, तो ये चावल जो है उबलेंगे अभी। अब मैं इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और ये देखिए, 1 टेबलस्पून हमने घी लिया है और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ऑयल डाल देंगे। पूरा घी और पूरा ऑयल में भी आप बना सकते हैं। ऑयल और घी गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। और ये देखिए, मैंने 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च और 12 कलियां लहसुन की कूट लिया था। इसका ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे ताकि जले नहीं, जो अपना अदरक लहसुन है वो जले ना। और इस तरीके से बनाने से ना ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और आपको पता है राजमा गैस्ट्रिक होता है, बहुत लोगों को नुकसान करता है। तो एक तो ये उसका टिप है कि आप रात को उसका ना पानी जो जिसमें आपने सोक किया उसको निकाल दें सुबह, ठीक है। अब डालेंगे हम इसमें ये हींग 1/4 टीस्पून। ये भी हींग डालने से भी राजमा नुकसान नहीं करता। तो एक तो रात का पानी जो सोक किया है वो निकाल दें, ऊपर से इसमें अच्छे से हींग डालें, लहसुन डालें। देखिए, जब ऐसे भुनना शुरू हो जाए ना, देखिए हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है, तब इसके साथ ही ताकि जले ना, हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज, जो मैंने 4 बड़े प्याज ली है क्योंकि राजमा ज़्यादा है। तो ये प्याज हम इसमें डाल के अच्छे से भूनेंगे, इसको भून लेंगे बहुत अच्छे से, सॉफ्ट हो जाए। देखिए, आप जला नहीं है ना लहसुन, हल्का ब्राउन दिख रहा है, तो बस इसी समय डाल दें, क्योंकि जलना भी नहीं चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। तो मसाला भूनने की ये ट्रिक है कि जितना पेशेंस से धीमी आंच पे आप भूनेंगे, उतनी ही सब्जी स्वाद बनेगी। जब तक प्याज भुन रहा है, हम चावल चेक कर लेते हैं। ये देखिए, खुले पानी में पकाने वाले ये चावल हैं। देखिए कितना अच्छे से ये गल गया है। आप खाकर देख लें, आप सॉफ्ट खाते हैं तो और कुछ सेकंड्स कर दें, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये तैयार हो गया है। इसको स्ट्रेन कर लेते हैं राइस को। ये देखिए कितना खिला खिला चावल बना है, आपको मैं दिखाऊं, बहुत ही खिला खिला। और अगर आप इसमें 1/2 चम्मच घी मिला के रख देंगे ना, मैं हमेशा चावल में जब भी रखती हूँ, कैसरोल में रखें या किसी में भी, 1/2 चम्मच आप घी मिला के रख दें, तो उससे एक तो चावल सॉफ्ट रहेगा और एक ना खुशबू बहुत अच्छी आती है और आपस में चिपकता भी नहीं है, घी की खुशबू। ये देखिए, हमारा ये चावल गर्मा गर्म बनकर तैयार है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको ढक के रख देंगे। ये देखिए, भुनने के बाद प्याज जो है कितना सॉफ्ट हो गया है और कितना थोड़ा सा हो गया है ना। तो जो हमने 4 प्याज ली थी वो परफेक्ट है। अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, घर का कुटा धनिया पाउडर है, और 2 पिंच हमने डाली इसमें हल्दी, तो हमने उसमें भी डाली थी राजमा में भी हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको ना सब मसालों को भूनना है। साथ में मैं डाल रही हूँ ये राजमा मसाला, मैं इस बार राजमा मसाला लाई हूँ, तो वो राजमा मसाला मैं 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ।
इससे टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। तो जब कोई आपके घर आने वाला हो ना, तो आप इस तरह से राजमा मसाला डाल सकते हैं लगातार चलाते हुए, ताकि ये नीचे लगे नहीं, है ना। तब आपको करना है ये, कुछ नमक हमने पहले से डाला है और थोड़ा सा अब डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच के करीब किचन किंग। मसालेदार राजमा बन रहा है, देखिए परफेक्ट है ना, बहुत अच्छे से भुन गया है प्याज, मसाले की भी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम इसमें ये 6 पीसे हुए टमाटर डालेंगे। चार हमने प्याज ली है और 6 हम लेंगे टमाटर, फ्रेश पीस के डालें, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और राजमा ज़्यादा है इसलिए इतना मसाला है, आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, जितना आप राजमा लेंगे उस हिसाब से आप कम कर सकते हैं। तो अब इसको हमें भूनने में टाइम लगेगा, जब तक मसाला घी ना छोड़ दे तब तक हमें इसको भूनना है, और भूनने के बाद मिलते हैं। यानी साइड बाय साइड हमारा मसाला तैयार हो रहा है, हमारे राइस तैयार हो गए हैं, हमारा राजमा उबल गया है। तो इस तरह से आप साथ साथ ये सब कर सकते हैं। राजमा उबल गया है, देखिए अब हम इसमें से ना ये खड़े मसाले जो हैं वो निकाल लेंगे, है ना। जो भी खड़े मसाले हमने डाले हैं वो निकाल लेंगे, और राजमा जो है हमारा सॉफ्ट हो गया, देखिए बढ़िया। और ये देखिए मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है ना। तो अब हम इसको कुकर में शिफ्ट करेंगे मसाले को। मसाला डालने के बाद हम इसमें मिला देंगे, यानी जब मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर देना तब हमें, ये हमारा काफ़ी सारा राजमा है देखिए, इसलिए मैंने मसाला इसमें ज़्यादा डाला है। और ये मेरे पास ना रखा था, वैसे मैं मोस्टली चित्रा राजमा या लाल राजमा बनाती हूँ, ये डार्क कलर वाला छोटा राजमा मेरे पास रखा था। तो मैंने सोचा एक किसी किसी के पास कभी आ जाता है ना गलती से, तो वीडियो डाल लें और आप भी इस तरीके से बनाएं तो बहुत टेस्टी लगेगा। इस समय आप थोड़ा नमक वगैरह टेस्ट कर लें, और बस करते हैं कुकर को बंद। इसके बाद फिर मैं इसमें एक विसल दूंगी। देखिए अलग अलग कुकर का अलग अलग सिस्टम है, तो आपका राजमा जो है ना गल जाना चाहिए, 6-7 विसल में हो जाता है। 5 मिनट आप वैसे रख दीजिए धीमी आंच पे, तो राजमा उबल जाता है अच्छे से। और ये देखिए हमारा ये यम सा राजमा बनकर तैयार है, ये रेड वाला राजमा है, और देखिए कितना बढ़िया है ना। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये देखिए हमारे यमी से चावल राजमा बनकर तैयार हैं, एंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।